हेलो, गुड मॉर्निंग। देखो, नेक्स्ट वीडियो है हमारी, ये नेक्स्ट लेक्चर है। ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेईई में। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो अपने डिप्लोमा में जो थ्योरम्स पढ़ते हैं वो डीसी थ्योरम्स पढ़ते हैं। एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस से डील करते हैं, लेकिन आप बीटेक में जो बच्चे बीटेक वाले हैं वो एसी के लिए भी थ्योरम्स हैं उनके लिए, तो वहाँ इम्पीडेंस से डील करना होता है। उन लोगों को इम्पीडेंस वाले क्वेश्चन भी किए होते हैं, तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये टिपिकल रहेगा, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है जिन्होंने केवल डिप्लोमा किया है। बट आसान आसान है, आप लोग कोशिश कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फॉर्मूला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इम्पीडेंस जो हमारा लोड इम्पीडेंस है ZL, उसकी वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए यदि पावर कंज्यूम हमारी मैक्सिमम हो, यहाँ पे पावर ट्रांसफर मैक्सिमम हो, उसके लिए इम्पीडेंस ZL की वैल्यू क्या होनी चाहिए। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन में इसने पावर फैक्टर का भी जिक्र किया है, तो हमें पावर फैक्टर से भी डील करना है, पावर फैक्टर भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो डीसी सर्किट्स में जो थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो कंडीशन फाइंड करते हैं जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की, तो उस केस में फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर योर लोड रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और यू कैन से थेवेनिन रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जब केस आता है एसी सर्किट्स का जहां पर इंपीडेंस लगे होते हैं, उस केस में थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। इस केस में लोड इंपीडेंस की वैल्यू होगी जो आपका इंटरनल इंपीडेंस है उसके ही बराबर होगी, लेकिन उसका कॉन्जुगेट होगा। क्या होगा उसका? उसका कॉन्जुगेट होगा। तो इस केस में जो ZS की वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है? व्हाट इज द ZS? 30+j40। अगर हम ZS का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हमारा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस जे है तो जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो हो जाएगा माइनस जे 40। तो कितनी वैल्यू आ गई जी हमारे इम्पीडेंस की? जो ZL है वो आ गया 30 माइनस जे 40। 30 माइनस जे 40 कोई आंसर है? नहीं है कोई आंसर। इसका मतलब इसने मैग्नीट्यूड पूछा होगा हमसे, तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर कितना हो गया जी? 900, और ये हो गया 1600, तो ये हो गया हमारा 2500। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 50 आ गया वैल्यू, 50 ओम। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया ZL का। देखो, ये आंसर हो गया हमारा 50 ओम। तो यहां तक तो हमने फाइंड कर लिया है कि वैल्यू हमारी 50 ओम होगी, लेकिन पावर फैक्टर की बात कर रहा है कि पावर फैक्टर कैसा होगा, लीड होगा पावर फैक्टर, जो आपका लोड का पावर फैक्टर है वो लीडिंग होना चाहिए या लैगिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें। तो देखो, यहां पर हमारा जो ZL है, हम यहां पे देखें इसकी वैल्यू क्या है हमारी, 30 माइनस j 40 है। अब ये किस फॉर्म, किस सर्किट से हमें ये माइनस का मिलेगा हमारा, तो हमें ध्यान रखना है। आपको पता होगा हम R को R रहने देते हैं जब हम उसको AC में पढ़ते हैं, जब हम उसको रिएक्टेंस में चेंज करते हैं। जो L है हमारा, जब L को रिएक्टेंस में चेंज करेंगे तो वो वैल्यू हो जाती है XL, JXL। C हमारा चेंज होता है माइनस के JXC, माइनस JXC, C चेंज होता है माइनस JXC। इसको ध्यान रखेंगे, जब हमारे RLC सर्किट हमने पढ़ा होगा तो ये डिस्कस किया होगा आप लोगों ने अपनी बेसिक क्लासेस में, BEE में पढ़ा होगा, तो ये सब आपने देखा होगा। R को R रहने देते हैं, L को JXL, C को माइनस के JXC करते हैं, इम्पीडेंस फाइंड करना होता है जब हम लोगों को। तो ये इससे हमें क्या दिख रहा है साफ साफ, ये जो रियल पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो R को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिएक्टेंस हमारा XL भी हो सकता है, XC भी हो सकता है, लेकिन माइनस ने यह सिद्ध कर दिया, ये प्रूव कर दिया है, इससे हमें पता लग जाता है क्योंकि माइनस है, तो जो 40 है वो हमारा क्या होगा? XC होगा। क्या होगा? C होगा। तो इट मींस जो हमारा ZL है, अगर मैं ZL ब्रांच को बनाऊं तो वो R है और उसके साथ साथ एक C है, RC लोड है हमारा, बेसिकली RC टाइप का लोड हमें इसको देखकर पता लग गया है। अगर यह प्लस होता तो ये XL को रिप्रेजेंट करता, उस केस में हमारा लोड होता RL लोड। ठीक है, तो ये पता लग गया RC है, तो RC के लिए अगर एक RC सर्किट है हमारा, तो देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे हम लोग। RC सर्किट यदि हमारा है
तो आरसी सर्किट के लिए हमें पता करना है कि पावर फैक्टर क्या होगा जी। देखो पावर फैक्टर की वैल्यू देखो, 50 आंसर हमारा आ गया है, 50 आंसर हमारा आ गया है, ये आंसर है ये आंसर है। इसका मतलब 0.6 लीड भी हो सकता है, 0.6 लैग भी हो सकता है, ठीक। 0.6 दोनों में है, लेकिन अब हमें कंफ्यूजन है लीड होगा या लैग होगा। देखो आरसी सर्किट के लिए अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं, चेक करें कि लीड होगा या लैग होगा, तो कैसे पता लगाएंगे? ये एक आरसी सर्किट है, सीरीज सर्किट है, सीरीज में करंट सेम होता है, हम करंट को रेफरेंस एक्सिस पे लेते हैं, ये वी आर वोल्टेज है, ये वी सी वोल्टेज है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि वी आर वोल्टेज और करंट आई, टोटल करंट जो आई है वो सेम फेज में होंगे, वी आर और आई सेम फेज में होंगे। अगर बात करूं मैं वी सी कहाँ होगा जी, बताओ मेरे को वी सी क्या होगा? वी सी 90 डिग्री लैग करता है। अगर हम एक कैपेसिटर की बात करते हैं, तो कैपेसिटेंस में हमारा करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, या बोल दी या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, आपका जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट वोल्टेज भी ये आ गया, ये ठीक है। तो यहां से क्या पता लग रहा है हम लोगों को कि जो टोटल करंट है वो वोल्टेज से क्या कर रही है? लीड कर रही है, आगे है, लीड कर रही है ना करंट। तो आरसी सर्किट के केस में जो हमारा पावर फैक्टर आएगा वो लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। यही केस अगर आरएल सर्किट का होता तो उस केस में आपका जो वोल्टेज है वो ऊपर की तरफ आता, करंट आपकी लैग करती, तो आंसर क्या होता? लैगिंग। हमें ये 0.6 कैसे आया ये निकालने की जरूरत है नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? ए हो गया। आरसी सर्किट है, आरसी टाइप लोड है हमारा, दैट्स व्हाई पावर फैक्टर इज लीडिंग। वैल्यू 50 आ गई थी हमारी। फाइव भी करना चाहते हो तो कैलकुलेशंस है, कर नहीं पाएंगे हम लोग बिना कैलकुलेटर के। यहां से हम फाइव की वैल्यू फाइंड करें, टेन इनवर्स 40/-40/30। अब 40/10 इनवर्स 40/30 कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं एग्जाम में, कैसे नहीं? या तो आपको याद हो इसका आता है 53.13। जब आप कॉस फाइव निकालेंगे पावर फैक्टर, तो कॉस 53.13 वैल्यू 0.6 आएगी, चेक कर सकते हो आप लोग अपने कैलकुलेटर से, 53.13। तो अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करेंगे, जिन्होंने केवल डिप्लोमा में किया बच्चों ने, आसान क्वेश्चन है, केवल इतनी बात याद रखनी है। एक एसी सर्किट में अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करनी है, तो लोड की वैल्यू कॉन्जुगेट होती है जो आपका इंटरनल इंपीडेंस है उसके, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे इसको हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया जो 50 आया है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये चेक करने के लिए भाई ये सर्किट कैसा है, लीडिंग पावर फैक्टर देगा या लैगिंग पावर फैक्टर देगा, उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया आर आर होता है, एल जी एक्स एल होता है, सी माइनस जी एक्स सी होता है, क्योंकि ये माइनस था, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द कैपेसिटर। देयरफॉर दिस इज द आरसी टाइप लोड। आरसी टाइप लोड से हमें क्या मिलता है? लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है, बिकॉज करंट लीड्स द वोल्टेज। देखो पावर फैक्टर लीड तब करता है जब करंट लीड करता है वोल्टेज से, लैग तब होता है जब करंट हमारा लैग लैग करता है वोल्टेज से। यूनिटी कब होता है? जब करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2014 एक नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये जो सर्किट दिख रहा है आपको सामने, कि 8 ओम जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस सर्किट में, उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी? 8 ओम जो हमारा रेजिस्टेंस है उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी? हमारी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 4.8 एम्पियर होगी, या 2.4 एम्पियर होगी, 1.5 एम्पियर होगी, या 1.2 एम्पियर होगी, ठीक है। तो सर्किट को देख के डरना नहीं है, देखने में लग रहा है जैसे स्टार स्टार बन रहा है, ये अजीब सा सर्किट है कि ये थ्री फेज सर्किट ना हो, लाइन को फेज में कन्वर्ट करें, फेज को लाइन में करें, कुछ ऐसा करना हो, ऐसा कुछ बेसिकली है नहीं। आसान सा क्वेश्चन है ये, अगर हम इसको ध्यान से देखोगे आप लोग तो आपको दिखेगा साफ साफ 12 और 8, ये क्लियर है, 12 और 8 सीरीज में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में। हमें इस 8 ओम में करंट फाइंड करना है, तो देखो कैसे करेंगे, 12 और 8 सीरीज में, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, ये 20 ओम है, और यहाँ से 12 और 8 जुड़ गए सीरीज, 12 और 8 कितना हो गया? 20, यहाँ भी 20 ओम हो गया जी, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया ये। यहाँ 48 वोल्ट है, यहाँ से करंट आई जा रही है, 20 और 20 दोनों इसमें पैरेलल में, कल बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। अगर सेम रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका कॉम्बिनेशन जो आता है वो आधा हो जाता है, तो इन दोनों के क्या हो जाएगा? 10। इनका निकालेंगे 20 × 20/20 + 20, कितना आएगा? 10 ओम। करंट 48 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है, तो टोटल करंट हमने फाइंड कर ली यहां से, जो करंट आ रही है टोटल वो कितनी आ गई? 48/10, 4.8 एम्पियर। कोई समस्या?
तो हमने इस सर्किट से जो 48 वोल्ट का जो सोर्स है इससे हमारी कितनी करंट आ रही है हम वो फाइंड कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू आई हमारी 4.8 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। जरा मैं लाइट जला देता हूँ, वो थोड़ा साफ दिखेगा। 4.8 एम्पियर। ठीक है, अब हमें फाइंड बेसिकली क्या करना है, इसमें करंट फाइंड करना है। हमारा ये आई डैश मान लो इसको, करंट को हमें टोटल करंट मिली कितनी आ रही है, टोटल करंट आपकी 4.8 एम्पियर। अब ये जो टोटल करंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक तो इस 20 ओम में और इस वाले 20 ओम में। क्लियर है भाई, एक 20 ओम ये है और ये भी 20 ओम है और इस वाले में करंट फाइंड करनी है। तो टोटल 4.8 है, दो दो बराबर हिस्सों में बट रही है, तो कितनी होगी 4.8 दो बराबर हिस्सों में बट रही है, तो 4.8 डिवाइड बाई 2, 2.4 एम्पीयर आंसर आ गया। चाहे तो करंट डिवीजन रूल लगा लें। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, टोटल करंट आई इंटू अपोजिट, देखो इसमें निकालना है अगर हमें तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन दिस प्लस दिस, 20 प्लस 20 कितना आएगा, 4.8 इंटू 20 अपॉन 40, 2.4 एम्पीयर। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, प्रैक्टिस करते रहना आप लोग सब ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन है, ये भी 2014 में ही पूछा गया है, 2014 का क्वेश्चन है ये। कैसे होगा जी, इसमें कह रहा है कि आर की वैल्यू क्या होगी, एक सर्किट दिया हुआ हम लोगों को और कह रहा है कि आर की वैल्यू फाइंड करो। चार ऑप्शन से 2.5, 5, 7.5, 10। ठीक, तो कैसे करेंगे जी, क्या एकदम दिमाग में आना चाहिए हम लोगों को। देखो सिंपल केवीएल से एक सॉल्व हो जाते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना आना चाहिए, केवीएल लगाना आना चाहिए, आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सारे केवीएल बेस्ड और बेसिक फंडामेंटल पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो 10 और 10 पैनल में फटाफट सॉल्व करेंगे, 10 और 10 पैनल में कितना आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, कितना आ गया 10 और 10 का पैनल कॉम्बिनेशन, 5, 5 और आर इसमें सीरीज में कितना आ गया, 5 प्लस आर। ठीक, रेजिस्टेंस हो गया 5 प्लस आर, वोल्टेज 100, करंट इतने, वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट 8 है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, वोल्टेज V इक्वल टू आई इन टू आर, 10 और 10 5, 5 प्लस आर सीरीज में, करंट 8 हमारी, आई इन टू दिस टोटल आर इक्वल टू वी। आर की वैल्यू फाइंड करके निकालो आराम से, क्या आ गया आर की वैल्यू, आर इक्वल टू 100 बाई 8 माइनस 5। ठीक है, सॉल्व कर लो, किससे कर, 4 से कर रहा है, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, तो ये आ गया हमारा 12.5, 12.5 माइनस 5, 12 माइनस 5 7, 7.5 हो, आर की वैल्यू क्या होगी, 7. सी आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन भी हमारा 2014 में आया है, काफी क्वेश्चन आते हैं सर्किट से जी। तो ये कह रहा है कि फोटो सर्किट शोन इन द फिगर व्हेन Vs इक्वल टू 0, I इक्वल टू 3। अगर हम इसको 0 मान लें तो करंट I की वैल्यू दी हुई है, इस 30 ओम रेजिस्टेंस में करंट गिवन है हमारा 3 एम्पीयर, जब हमारा Vs को 0 कर देते हैं। ये कह रहा है कि अगर Vs हमारा 200 हो, 200 हो, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I, तो I की वैल्यू हमारी उस केस में क्या होगी। तो कैसे करेंगे जी, सॉल्व बताओ, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो बेसिकली जो क्वेश्चन है हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एकदम देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन सुपर पोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सुपर पोजिशन थ्योरम से आया है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है बस। देखो जब हम Vs को 0 कर देते हैं, देखो सुपर पोजिशन थ्योरम में हम एक टाइम में एक सोर्स को लेकर चलते हैं और जो लोड है उस पर करंट फाइंड करते हैं। अगर हम वोल्टेज सोर्स को लेकर चल रहे हैं तो करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक आइडियल करंट सोर्स का इनफाइनाइट होता है। अगर हम करंट सोर्स को लेकर चलते हैं तो वोल्टेज को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का हम इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, तो एक 0 रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट से मानते हैं, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। तो इसमें बोला है कि Vs 0 है, Vs 0 मतलब क्या है, फर्स्ट केस क्या है, जब Vs 0 है हमारा, ये Vs 0 मतलब शॉर्ट सर्किट है, Vs 0 है। तो देखो ये केस सुपर पोजिशन थ्योरम से आ गया है, वन टाइम वन सोर्स, तो इस केस में हमने एक सोर्स को हटा दिया है, Vs को हटा दिया है, Vs को क्या किया, हटा दिया, हमें नहीं पता Vs कितना है, Vs को हमने हटा दिया, ठीक, एक सोर्स को हटा दिया,
एक सोर्स को लेके चल रहा है और उसने करंट की वैल्यू दे रखी है। इस केस में फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस है जब व्हेन आई एस प्रेजेंट है, एक सोर्स प्रेजेंट है हमारा, उस केस में आई की वैल्यू दी है कितनी 3 एम्पियर। हमने आई मान ली आई डैश, जो 30 ओम में करंट फ्लो कर रहा है कितना 3 एम्पियर है दिया हुआ, 3 एम्पियर है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है। सेकंड केस क्या है, केस नंबर 2, व्हेन वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट कितना वोल्टेज सोर्स है जी वीएस 200 कह दिया अगली बार, कितना कह दिया 200 वोल्ट। अब सेकंड केस में हम वोल्टेज सोर्स को लेकर चलते हैं माइनस प्लस 200 वोल्ट, तो क्या करेंगे करंट सोर्स को क्या करते हैं हम सुपर पोजिशन थ्योरम में रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से, तो इसको क्या कर दिया हमने ओपन कर दिया। ध्यान से करते जाएंगे, आसान क्वेश्चन है। सेकंड केस में आई डबल डैश करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट आई डबल डैश की वैल्यू फाइंड करो, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये प्लस ये माइनस ऐसे फ्लो करेगा प्लस माइनस, इधर तो करंट जाएगा ये ओपन ब्रांच है, केवीएल लगा दो इसमें, चलो ऐसे ऐसे चल रहे हैं प्लस 200 प्लस 20 इंटू कितनी करंट है आई डबल डैश प्लस 30 इंटू आई डबल डैश इक्वल टू 0 50 आई डबल डैश इक्वल टू माइनस 200, तो आई डबल डैश की वैल्यू होगी माइनस के 4 एम्पियर। ठीक, डायरेक्शन दोनों की नीचे है, इसकी भी डायरेक्शन नीचे थी इसकी भी नीचे है, तो टोटल करंट आई पूछ रहा है, आई वैल्यू क्या होती है सुपरपोजिशन में सम कर देते हैं, आई डैश प्लस आई डबल डैश, आई डैश 3 आई डबल डैश माइनस 4 माइनस 1 एम्पियर, दिस इज योर आंसर माइनस 1 एम्पियर। आसान क्वेश्चन है, बस लॉजिक थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा घुमा के पूछा है क्वेश्चन, हमारा सुपरपोजिशन थी सही था ये क्वेश्चन भी। ओके थैंक यू, तो अभी इतना ही रोकते हैं हम, अभी नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, 4-4, 5-5 क्वेश्चंस हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनमें हमारे कॉन्सेप्ट लगते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे ऐसे, और बहुत जल्दी हम ये अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट खत्म कर लेंगे इसके क्वेश्चंस को जो कि एसएससी में पूछे गए हैं लास्ट ईयर तक। ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस करते रहना, अभी फीलिंग आ रही होगी कि आप लोग कर सकते हैं कुछ, है ना, जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें लगेगा कि हम लोग तैयारी कर सकते हैं और पेपर भी निकाल सकते हैं। अभी नेटवर्क के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, बेसिकली नेटवर्क के क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं तो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं हम साथ साथ क्लियर करते चलते हैं, लेकिन जब हम मशीन पावर सिस्टम या मेजरमेंट वगैरह के क्वेश्चन करेंगे तो हमें थोड़ा थ्योरी से भी थ्योरी को भी साथ साथ अलग से लेना पड़ेगा, पहले आपको थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी उसको कवरअप करना पड़ेगा और उस थ्योरी के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम उसके साथ करेंगे सॉल्व। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के साथ जो हमारे बेसिकली कॉन्सेप्ट आते हैं वो हम इसके साथ साथ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पॉसिबल है ऐसा, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा नहीं है, तो आप लोग अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब कराएं चैनल को जिससे कि लोगों को पता चले और भी लोग जाने, और चैनल का जो फॉर्म है रूप है और अच्छे उसमें आने वाला है, हम अभी और बेहतर ढंग से करेंगे इसको, थोड़ा वेट करिएगा आप लोग। ओके थैंक यू बच्चों, गुड लक।